द फॉलोइंग सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं, यानी एलिमेंट की तादाद बतानी है, एलिमेंट ही बताने कौन कौन से हैं इन द फॉलोइंग, इन द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो ये बेटा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में भी नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने का वही फार्मूला है जो सबसेट फाइंड करने का फार्मूला हमने सीखा था, टू की पावर एन। एन का मतलब होता है एलिमेंट की तादाद, एक दो तीन चार पांच है, टू की पावर फाइव होगी। अब पावर हमें यह बताती है कि नीचे वाले नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करना है कितनी मरतबा, पांच मरतबा। तो टू को अपने आप से मल्टीप्लाई बेटा करोगे ना पांच मरतबा, टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू, ऐसे पांच मरतबा, तो ये आ जाएगा 32। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे 32, ये इसका आंसर है। अब देखिए बेटा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में देखें कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट ही फाइंड करने हैं। तो ये सेट दिया हुआ है, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट टू की पावर एन, एन का मतलब एलिमेंट की तादाद, इन सारों को गिनो, जीरो से गिनना शुरू करो, एक दो तीन चार पाँच छः, टू की पावर सिक्स होगी। तो टू को अपने आप सिक्स टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हो जाएगा ये 64। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट 64, ये आंसर है। थर्ड पार्ट में बेटा जो सेट दिया हुआ है वो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट का मतलब होता है इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो टू की पावर एन फार्मूला होता है, एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, इसके अंदर एलिमेंट की तादाद जीरो है, यानी कोई एलिमेंट नहीं है। किसी भी नंबर की पावर जीरो हो तो इक्वल टू हो जाता है वन, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट वन, ये बेटा इसका आंसर है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर फोर में ये पूछा गया है कि फाइंड द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, इनके पावर सेट फाइंड करने हैं। तो पावर सेट फाइंड करने के लिए पहले हमें इसके सब सेट फाइंड करने हैं। सब सेट फाइंड करने का मैंने डिटेल से मेथड इसके क्वेश्चन नंबर टू में और क्वेश्चन नंबर थ्री में बताया हुआ है, या क्वेश्चन नंबर उसमें क्वेश्चन नंबर वन में भी बताया हुआ है। तो पहले मैं इसके सब सेट फाइंड करता हूँ। इसको सपोज कर लेते हैं कि ये लेफ्ट, ये ए के इक्वल है, जिसके मर्जी इक्वल कर सकते हैं, ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, सब सेट ऑफ ए। तो सब सेट लिखने का मेथड पहले बताया होगा, सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखना होता है, एम्प्टी सेट चाहे ऐसे लिख दें या दोनों खाली ब्रैकेट डाल दें, फिर ए, फिर बी, फिर ए एंड बी। यहां तक तो आपने जो पहले तीन क्वेश्चनों में मैंने डिटेल से समझाया हुआ है। अब पावर सेट की बात आ गई, पावर सेट लिखने के लिए P इंटू जो भी यहाँ पे इसको नाम दिया होता है वो लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि पावर सेट ऑफ A, इन्हीं सारे सब सेटों को दोबारा लिखें, B सेट A और B के दरम्यान में कॉमन है, इन सारे सब सेटों को एक और ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है। देखो सारे सब सेटों को एक का एक और सेट बना देना है, या सादा लफ्जों में सारे सबसेटों को एक और ब्रैकेट में डाल देना है। तो ये इसको कहते हैं पावर सेट। इसके लिए मैं बच्चों को एक और भी एग्जांपल देता होता हूँ, अगर आपको भी याद रह जाए तो। जिस तरह हम बाद आप बाजार में कोई चीज़ लेने जाते हैं, मिसाल के तौर पे कोई सब्जी लेने जाते हैं, आलू लेने जाते हैं 5 किलो, वो हमें एक शॉपर में डाल देता है। हम कहते हैं यार एक शॉपर में ना डालो, ये ग्रास में फट जाएगा, डबल कर दें। तो जब वो डबल शॉपर कर देता है ना, तो उसमें वो शॉपर हम समझते हैं कि मजबूत हो गया, उसमें वो जल्दी फटेगा नहीं अगर हम कोई पंगा ना लें तो। तो इस तरह मैं समझता होता हूँ कि ये सारे है ना ऐसे, इनको एक और शॉपर में बंद कर दिया, यानी एक और ब्रैकेट में बंद कर दिया, इसके अंदर पावर आ गई, इसको पावर सेट कहते हैं। ये याद रखने की एक ट्रिक है, ये ना कहना सर हम तो अपना थैला कपड़े का ले गए थे, ऐसी बात नहीं करनी। तो ये इसको सारे सबसेटों को एक और ब्रैकेट में बंद कर देना, यानी सबसेटों सबसेट्स का एक और सेट बना देने को पावर सेट कहते हैं। इसका सेकेंड पार्ट है लेट, इस पहले को ए लिखा था, इसको बी लिख लेते हैं। अब इसके हम सबसेट बनाते हैं। तो ये बेटा मैंने इसके तमाम जो सबसेट्स हैं वो लिख लिए। अब इसके पावर सेट लिखने के लिए पावर इनटू पावर सेट ऑफ बी, इन सारे सेट्स को दोबारा लिख के एक ब्रैकेट शुरू में और एक ब्रैकेट एंड में लगा देंगे। तो बेटा ये मैंने तमाम इसके जो सबसेट्स हैं उनको दोबारा लिख लिए। ये तरतीब शुरू में मैं जीरो लिखना भूल गया था, तो मैंने टू पहले लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तरतीब आगे पीछे हो जाए। तो ये सब सेट्स को सारों को मैंने दोबारा लिखा और इसको एक ब्रैकेट शुरू में लगा दी और एक ब्रैकेट जहां पे एंड हो रहे वहां पे लगा दी। इसको बोलते हैं पावर सेट। तो ये बेटा इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में सी सेट, इसको हमने सपोज किया कि सी है ये, इसके पहले हम सब सेट लिखते हैं, जो चार एलिमेंट होते हैं उसके सब सेट बनाने का तरीका हमने जो क्वेश्चन नंबर इसका
थ्री है उसमें भी सीखा हुआ है। तो दोबारा से मैं यहाँ करवाता हूँ, इसका डिटेल जो मेथड है वो मैंने आपको इसके क्वेश्चन नंबर बेटा टू में भी बताया हुआ है और क्वेश्चन नंबर थ्री में भी बताया हुआ है कि अगर फोर एलिमेंट दिए हों तो उसके सबसेट कैसे फाइंड करने हैं। सबसे पहले एम्प्टी सेट होता है, फिर सारे एलिमेंट्स को अलग अलग सेट में बंद कर देना है, फिर पहले एलिमेंट को वन को टू के साथ, फिर वन को थ्री के साथ, फिर वन को फोर के साथ। ये देखो यहाँ तक हो गया, फिर वन का सबके साथ पेयर बन गया, फिर टू को थ्री के साथ, फिर टू को फोर के साथ, टू को थ्री के साथ, फिर टू को फोर के साथ। फिर उसके बाद टू की बारी भी खत्म हो गई, अब थ्री को फोर के साथ। अब ये पहले दो का पेयर बनाना है, वन टू को थ्री के साथ, वन टू को थ्री के साथ, फिर वन टू को फोर के साथ, फिर वन टू के साथ, पहले वन टू को लेके सबके पास गया, फिर टू खत्म कर देंगे, फिर वन थ्री और फोर, वन थ्री और फोर, वन आप सब वन ने आपने कोशिश कर ली है, वन को आप खत्म करेंगे, आप टू थ्री को लेके फोर के पास जाता है, टू थ्री और फोर, फिर एंड पे जाके इन सारों का बन जाता है सेट जिसमें सारे के सारे एलिमेंट आ जाते हैं, जो टोटल 16 है। टू की पावर अगर फोर करते हैं तो 16 आता है, तो 16 इसके सबसेट बन चुके हैं। अब इसके पावर सेट बनाने के लिए इन सारों को दोबारा लिख के इनको एक और ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो अब इन्हीं सारे सब सेट को दोबारा लिख के शुरू में पी इन टू सी, यानी कि हम इस सेट का नाम सी लिखा था ना, तो पावर सेट ऑफ सी, इन सारे सब सेट को दोबारा लिख के एक ब्रैकेट शुरू में और एक ब्रैकेट एंड पे। तो जब तक ये ब्रैकेट में क्लोज नहीं ना करेंगे तो ये पावर सेट नहीं बनता। बात अब स्टूडेंट ये सारे के सारे सब सेट तो लिख देते हैं, क्वेश्चन आया होता पावर सेट का, तो पावर सेट लिखने के लिए पहले सब सेट लिख के उन सब सेट्स को एक और ब्रैकेट एंड पे और शुरू में लिखनी होती है, फिर जाके ये पावर सेट बनता है। अगर हम ये सारा काम कर लें सिर्फ एंड पे और शुरू में ब्रैकेट ना लगाएं तो हमारा वो आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो पावर सेट के लिए एक और ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है। फोर्थ पार्ट है बेटा 101, जिसको हम कहते हैं कि लेट ये पहले सी तक हमें लिखा है, इसको डी, लेट ये डी के इक्वल है। तो इसके सब सेट लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि सब सेट में सबसे पहला सेट कौन सा होता है, एम्प्टी सेट, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है 101, तो ये 101 का ये वाला सब सेट बन जाएगा। तो ये इसके सब सेट बन चुके हैं, तो अब इसका पावर सेट बनाने के लिए पी इंटू डी। तो पावर सेट के लिए मैंने क्या बताया था कि तमाम सब सेट्स को एक और ब्रैकेट में बंद कर देना है, तो वो पावर सेट बन जाता है। इसके अंदर यही एलिमेंट था तो मैंने इसको यहीं पे सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट वाला जो सबसेट है वो है एम्प्टी सेट। तो इसका बेटा सबसेट क्या बनेंगे, पावर सेट के सबसेट एम्प्टी सेट का एक ही बनेगा सबसे पहले एम्प्टी सेट, तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं है जो कि इसका नेक्स्ट सेट बनाए। इसको हमने सपोज किया कि लेट ये ई है, तो पी इंटू ई, तो इसके जो सबसेट एम्प्टी सेट का सिर्फ एक ही सबसेट होता है, तो इसके इसको एक और ब्रैकेट सेटों पे लगा देंगे तो फिर पावर सेट बन जाएगा। तो ये बेटा एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें और बेल आइकन प्रेस करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।